और कल 25 और 26 अगस्त को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हम मध्य प्रदेश का जो हमारा टारगेट सेगमेंट है उसको पूरी तरह से वैक्सीनेट करें। 21 जून को हमने 17 लाख लोगों को एक ही दिन में वैक्सीन लगाया था और अब हमारा दो दिन में ये उद्देश्य है कि जिनका सेकंड डोज रह गया उनको हम सुनिश्चित करें कि वो जरूर वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि दोनों ही डोज लेने के बाद ही आदमी पूरी तरह से सुरक्षित होता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आज वो सुबह भोपाल में रहेंगे जवाहर चौक के जैन मंदिर में और दोपहर में वो जबलपुर पहुंचेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर और रतलाम में इस कार्यक्रम में रहेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि लगभग हम दो दिन में 35 लाख लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में हमने लगभग 9,900 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं और कल 25 और 26 अगस्त को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हम मध्य प्रदेश का जो हमारा टारगेट सेगमेंट है उसको पूरी तरह से वैक्सीनेट करें। 21 जून को हमने 17 लाख लोगों को एक ही दिन में वैक्सीन लगाया था और अब हमारा दो दिन में ये उद्देश्य है कि जिनका सेकंड डोज रह गया उनको हम सुनिश्चित करें कि वो जरूर वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि दोनों ही डोज लेने के बाद ही आदमी पूरी तरह से सुरक्षित होता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आज वो सुबह भोपाल में रहेंगे जवाहर चौक के जैन मंदिर में और दोपहर में वो जबलपुर पहुंचेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर और रतलाम में इस कार्यक्रम में रहेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि लगभग हम दो दिन में 35 लाख लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में हमने लगभग 9,900 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं।